सूरत ट्रैफिक पुलिस ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आई फॉलो, तो हम इनसे जानते हैं कि आई फॉलो क्या है और इससे क्या फ़ायदे हैं। तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग को रोज़ कैरी करने चाहिए और रेगुलर कैरी करने चाहिए? क्या ये वैलिड है, मतलब अगर हम लोग डिजिटल RC बुक रख रहे हैं, डिजिटल इंश्योरेंस रख रहे हैं, डिजिटल PUCs रख रहे हैं, तो ये क्या वैलिड है? सो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और एक चीज़ शेयर करनी थी आपसे कि सूरत ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुत 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 बढ़िया अभियान शुरू किया है जिसे उन्होंने नाम दिया है आई फॉलो। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना किसी पुलिस इंस्पेक्टर से या पुलिस अधिकारी से बात की जाए। तो मैंने बात की है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आई फॉलो क्या है। तो पहले तो आप ये पूरी वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सो गुड इवनिंग गाइस, मैं अभी हूँ DK पटेल सर के साथ जो ट्रैफिक पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर है। और इन्होंने एक मतलब ट्रैफिक पुलिस सूरत ट्रैफिक पुलिस ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आई फॉलो। तो हम इनसे जानते हैं कि आई फॉलो क्या है और इससे क्या फ़ायदे हैं। ये आई फॉलो कैंपेन 21 दिन के लिए सूरत सिटी में परसों से चालू किया गया है। उसका मतलब जो जो वाहन चालक है वो अपना सभी रूल्स का पालन करते हैं उनको हम अभिनंदन देते हैं और उनके जरिए उनके ग्रुप में एक लाइव संदेश भिजवाते हैं जिससे उनको ये अनुरोध करते हैं कि मैंने अपना ट्रैफिक नियमों का पालन किया है, आप भी ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए। इससे ये होगा कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आएगा और वो भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे। सर, इसमें और आई फॉलो स्टार्ट करने के कितने दिन हो गए हैं? अभी 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए सर, तो 3 दिन में आपको मतलब आपने कितने लोगों को आपका जो पैकेज आप शायद दे रहे हो, कोई गुडीज बैग दे रहे हो, उसको मतलब कितने आपने बांट दिए हैं सर? सूरत सिटी में हर रोज़ कम से कम 1600 आदमी को ये कैंपेन में हिस्सा बनाया गया है और उनको एक उन लोगों ने जो ट्रैफिक रूल्स का पालन किया है उन लोगों ने अपने ग्रुप में लाइव संदेशा दिया है। अच्छा। सो जैसे कि आप सुन रहे हो सर की बात, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। और सर, आप क्या बताना चाहोगे पब्लिक को कि ट्रैफिक रूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों फॉलो करने चाहिए? ट्रैफिक रूल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे तो जो रोड अकस्मात है वो घटेगा और अपनी जो पब्लिक की जो ज़िंदगी है वो बच जाएगी और उससे अपने समाज को और सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक रूल्स न फॉलो करने के कारण अपने साथ साथ जो अपने सामने वाला है, जो निर्दोष व्यक्ति है, उनको भी इतना ही असर होता है। सही बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और सर, आप मुझे एक बात जाननी चाहिए जो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ता है रास्ते में, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग को रोज़ कैरी करने चाहिए और रेगुलर कैरी करने चाहिए? एक तो जो रजिस्ट्रेशन है, कोई भी 4-व्हीलर 2-व्हीलर है तो रजिस्ट्रेशन बुक बोलते हैं, RC बुक, और फिर अपना जो लाइसेंस है खुद का वो, और PUC है वो, और ख़ास करके वो जो इंश्योरेंस है वो रखना चाहिए। ओके सर, अभी एक और है कि जो अभी मोदी साहब ने शुरू किया है डिजिटल इंडिया, तो जैसे अभी डिजिटली ये सब चीज़ें हम लोग रख सकते हैं, तो क्या ये वैलिड है, मतलब अगर हम लोग डिजिटल RC बुक रख रहे हैं, डिजिटल इंश्योरेंस रख रहे हैं, डिजिटल PUCs रख रहे हैं, तो ये क्या वैलिड है सर? हाँ, वैलिड है, डीजी लॉकर और एम परिवहन है उसमें वैलिड है। तो अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम लोग को कोई पुलिस के अधिकारी हमें पकड़ते, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, तो अगर हम लोग वो डिजिटल कुछ भी दिखाएंगे तो वो वैलिड हो जाएगा सर? जी वो। ओके सर, सो और आप क्या बताना चाहोगे कि आई फॉलो से और इससे आगे, मतलब आई फॉलो तो चलो एक माध्यम है कि हम लोग लोगों को बता रहे, जागरूक कर रहे हैं कि हाँ ऐसे फॉलो करने चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर आई फॉलो तो चलो अभी कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद भी हम लोग को फॉलो करने चाहिए सर? हाँ जरूर डेफिनेटली करना चाहिए। और सर, आप क्या बताना चाहोगे सूरत की पब्लिक को कि और क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए? मैं यही बताना चाहता हूँ
कि अगर पहले अपने जो खुद उसका पालन करेंगे तो अपने आप को देख के और लोगों भी उसका पालन करेंगे और अपना जो ट्रैफिक है तो स्मूथली चलता रहेगा और कभी भी अपने को ट्रैफिक की वजह से लेट होने का कि वो चांस नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। और ये कोरोना चल रहा है उसके बारे में दो सब। हाँ, अभी कोरोना चल रहा है तो जितना ट्रैफिक में अवेयरनेस रखेंगे, एक डिसिप्लिन बनाएंगे, उतना भी अपने कोरोना में भी रख सकते हैं। तो वो डिसिप्लिन जरूरी है कोई भी चीज़ में, चाहे वो आप वाहन चलाओ या फिर कोरोना में आप सावचेती रखो, तो वो डिसिप्लिन एक होगा तो ये सब मुमकिन होगा। ओके सर, सो जैसे कि आपने सर की बात सुनी, डीके पटेल सर की बहुत अच्छी बातें बताई ट्रैफिक पुलिस के मंतव्य से, उनका जो भी थॉट थे उन्होंने सारे आपने कवर किए। और इनके थ्रू और मेरे थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, ना कि सूरत में, पूरे इंडिया में ये सारे फॉलो होने चाहिए। और जो सूरत पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने ये चालू किया है आई फॉलो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। और इसी बात के थ्रू मैं अपनी बात कंप्लीट करता जाता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि सर को प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बोल दे कि मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जी, सबको बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आवेश हियर, रेसिडिंग इन रांधेर। आज मैं यहाँ पे चौपाटी के पास खड़ा हूँ। सूरत पुलिस ने मुझे रोका एंड दे आर थैंकिंग मी बिकॉज कि मैंने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया है। एंड दैट्स व्हाई मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें एंड अच्छे नागरिक बने, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहन के चलाएँ एंड वेयर मास्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा कि मैंने सूरत ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर से बात की, डीके पटेल सर से, और उनसे जानने की कोशिश की कि आई फॉलो क्या है। तो जैसे कि आपने उनके मुंह से खुद नहीं सुन लिया होगा कि आई फॉलो 21 डेज का कैंपेन रन कर रहे हैं, उससे ट्रैफिक अवेयरनेस हो गया या फिर रोड अवेयरनेस हो गई, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का अवेयरनेस हो गई। वो कैंपेन में इन लोग जो अच्छे से ड्राइव कर रहा है, जो अच्छे से हेलमेट पहन रहा है, अपना सीट बेल्ट लगा रहे हैं, उनको उन लोग चलान दे रहे हैं। चलान नाम इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि वो चलान ऐसा चलान है कि एक सर्टिफिकेट है, नो चलान मतलब नो फाइन, आपको चलान में कोई फाइन नहीं लगा क्योंकि आपने सब अच्छे से पहना है, सब अच्छे से आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए हैं, इसलिए वो एक आपको मोमेंटो टाइप का दे रहे हैं। आपको स्क्रीन पे मैं फोटोज़ रख दूंगा कि वो क्या है और उसमें क्या क्या होता है, आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको साइड पे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से तो। और इससे क्या है ना कि यार सबको अवेयरनेस फैलेगी कि हेलमेट क्यों ज़रूरी है, अपना सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आप अभी भी रोड पर देख रहे हो कि गिने चुने लोग ही हैं जो हेलमेट पहन रहे हैं और गिने चुने लोग ही हैं जो सीट बेल्ट पहन रहे हैं। अपनी सेफ्टी के लिए भी पुलिस को खड़ा रहना पड़ रहा है, बहुत अटपटा साउंड करता है यार कि अपनी सेफ्टी के लिए ही वो लोग हमसे फ़ाइन ले, हमको बोले कि आपने हेलमेट नहीं पहना है आपकी सेफ्टी के चक्कर में और हम आपको फ़ाइन कर रहे हैं, आपकी जान बचाने के लिए आपसे ही फ़ाइन। तो खुद को जागरूक होना पड़ेगा यार, मतलब पब्लिक को खुद को जानना पड़ेगा कि यार हेलमेट क्यों ज़रूरी है। हेलमेट रहेगा तो आप कहीं अगर इनकेस कुछ एक्सीडेंट हुआ आपका, भगवान ना कर ऐसा कुछ हो, बट अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है तो हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचाएगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको कुछ भी चोट नहीं लगेगी हेलमेट पहनने से, वैसा तो होने नहीं वाला, बट आपको हेड इंजरी से आप बच सकते हो, आप काफ़ी कुछ आपको ब्रेन डैमेज या आपको सर पर चोट लगने से आप बच सकते हो। सो गाइज, बस मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि प्लीज़ हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए एंड अपने लाइफ की हिफाजत करिए, क्योंकि रोड सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते प्लीज़ एक लाइक करिए आपको ये अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
और आपकी कमेंट और लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। Thank you.